आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल राउंडर जावेद में। फ्रेंड्स, आज हम लोग लैम्प शेड बनाना सीखेंगे, वो भी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसकी सहायता से। देखिए, कुछ इस तरीके का लैम्प शेड बनाएंगे, बहुत इजी वे में बनाएंगे। चलिए और फटाफट बनाना सीखते हैं, देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। देखिए कितना सुंदर सा है ये लैम्प शेड। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की और हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने भाई को पूरा का पूरा सपोर्ट करें, और बेल आइकन भी दबा दें और ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए और फटाफट बनाना सीखते हैं। देखिए, इसके लिए इस तरीके का आपको गत्ता लेना है, कॉरिगेटेड शीट, और इससे 1 इंच का स्ट्रिप्स काट लेना है। देखिए इस तरीके का आपको स्ट्रिप्स काट लेना है बहुत सारा। उसके बाद आपको इस तरीके से हल्का सा टेपर, हल्का सा तिरछा इस तरीके से आपको काटना है। इस तरीके से देखिए कुछ इस तरीके का आपको पीस काट लेना है। देखिए इस तरीके से आपको काट लेना है ढेर सारा। उसके बाद आपको इस तरीके का एक और गत्ता लेना है। देखिए इस तरीके का आपको सर्कल काट लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको सर्कल काट लेना है, ये 10 इंच का सर्कल है। उसके बाद आपको इस तरीके से इसमें ग्लू लगा लेना है। इस तरीके से देखिए इस तरीके से आपको लगा लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको लगाना है इसके ऊपर। देखिए कुछ इस तरीके से आपको लगाना है। देखिए ये 2 लेयर लगाने के बाद आपको अब जो लगाएंगे वो हल्का हल्का एकदम थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा अंदर की ओर करते हुए लगाना है। इस तरीके से देखिए हल्का सा अंदर की ओर, ताकि डोम के साइज का गुंबद के जैसे आपका ऊपर बन जाए। हल्का हल्का सा पुश करते हुए लगाना है। देखिए इस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से। अब ये डोम का शक्ल लेने लगा है। देखिए कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा आपका। अब इसके ऊपर इस तरीके का एक सर्कल काट के ये लास्ट में इस तरह लगा देना है आपको। देखिए आपका कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। अब इसे लटकाने के लिए, हैंग करने के लिए 3 आपको होल कर लेना है ये पेचकस की सहायता से। इस तरीके से आपको होल कर लेना है। अब इसे पेंट कर लेना है। इसके लिए मैंने इस तरीके का ब्राउन कलर लिया है, इसे आप पेंट कर लेना है पूरे को इस तरीके से। इसमें थोड़ा सा व्हाइट का शेड डालना है आपको इस तरीके से। स्ट्रोक हल्का हल्का सिर्फ लगाना है।
अब देखिए इस तरीके का आपको रोप लेना है और इस तरीके का आपको मोती ले लेना है। देखिए इस तरीके से आपको मोती को बांध लेना है। आपको तीसरा मोती बड़े ऐसे रूप में बांध लेना है इस तरीके से। देखिए कुछ इस तरीके से आपको बांध लेना है। अब इसके अंदर आपको बल्ब का होल्डर लगा देना है इस तरीके से। बांध लेना है आपको। देखिए आपका बन के तैयार हो गया। चलिए अब इसे हैंग करके भी दिखाते हैं और लाइट जला करके भी दिखाते हैं किस तरीके का लगता है। देखिए आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने इस तरीके से नीचे में लगा दिया है, आप ऊपर में हैंग करिए, काफी सुंदर सा लग रहा है।